हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ लच्छेदार पराठा। आप एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें। आपको पिक देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये कितना लच्छेदार बना है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और फटाफट से हम लोग बनाते हैं लच्छेदार पराठा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून साल्ट, 2 टीस्पून शुगर पाउडर। इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके सेंटर में हम लोग इस तरह से जगह बना लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून देसी घी। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसका डो तैयार करने के लिए 1/2 कप वाटर ली हूँ। वाटर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह हम लोग मसल के इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दें कि वाटर बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा ही इसमें ऐड करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से नीट करना है। यहाँ पे हम लोगों का डो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। डो का टेक्सचर बस सॉफ्ट और लचीला होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोग इसका डो तैयार करने के लिए वाटर लिए थे, तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून वाटर हम लोगों का बच गया है। डो के ऊपर थोड़ा सा हम लोग घी को अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसके जगह रिफाइंड ऑयल या फिर बटर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट हो चुका है और डो भी अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसका बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल बन के रेडी हो चुका है, इसे हम लोग फ्लैट करेंगे। इसे फ्लैट करने के लिए हम लोग आटे का डस्ट नहीं करेंगे, इस पे हम लोग घी अप्लाई करेंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसे गोल शेप में ही फ्लैट करें, आड़ा तिरछा जैसे भी हो आप इसे फ्लैट कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से फ्लैट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, ना ही ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। अब हम लोग इस पे घी अप्लाई करेंगे। घी थोड़ा ज्यादा ही इस पे अप्लाई करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप इस पे अप्लाई ना करें, नहीं तो लेयर्स अच्छा नहीं बनेगा। और चारों तरफ इसका कोटिंग कर देंगे। घी ऐड करने के बाद हम लोग इस पे सूखा मैदा ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रिंकल करें। ये प्रोसेस बहुत ही मस्त है, इसे जरूर करें। इसे हम लोग कट कर लेंगे, तो आप इसे नाइफ या फिर कटर से इसे कट कर सकते हैं। इसे बहुत ही बारीक बारीक कट करें। जितना बारीक आप कट करेंगे उतना ही अच्छा आपका लेयर आएगा पराठा में। जिस साइड से ज्यादा लंबा है उसी साइड से हम लोग इसे कट करेंगे। ये अच्छी तरह कट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बारीक मैं इसे कट की हूँ। इसे एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम लोग एक नाइफ का हेल्प लेंगे और नाइफ को अच्छी तरह से हम लोग ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसे फोल्ड करेंगे राउंड शेप में कुछ इस तरह से। ये अच्छी तरह फोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे हम लोग इस तरह से ऊपर में रखेंगे। इस पे हम लोग फिर से घी का अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका पेड़ा बना लेंगे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए। इस चीज का आप जरूर ध्यान दें कि मैं इसे कैसे फोल्ड करी हूँ। बस ऐसे राउंड शेप करके जो लास्ट वाला है उसे हम लोग नीचे में ऐसे कर देंगे और इस तरह से हम लोग हल्का सा इसे प्रेस करके वन साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरा भी पेड़ा बना लेंगे। एक बार और फोल्ड करके दिखा देती हूँ। तो बस इसका एक साइड से लेना है और इस तरह से राउंड कर देना है।
और जो लास्ट वाला साइड बचेगा हम लोग इस तरह से एक साइड में इस तरह से कवर कर देंगे। यहाँ पे दोनों बन के रेडी हो चुका है, इसे हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसे फ्लैट करेंगे। 10 मिनट हो चुका है, इसे हम लोग फ्लैट करेंगे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे अपने हैंड से ही फ्लैट करें। हैंड से फ्लैट करने से ये फ़ायदा है कि इसका लेयरिंग बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर आता है और बहुत ही आसानी से ये फ्लैट भी हो जाता है। तो आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें, आपको जितना बड़ा साइज चाहिए आप इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं। फ्लैट करते समय आप पराठा में ऑयल लगाकर फ्लैट करें, नहीं तो ये चिपक सकता है नीचे में। यहाँ पे हम लोगों का पराठा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लैट हो चुका है, बस इतना ही हम लोगों को फ्लैट करना है। तो चलते हैं हम लोग इसे कुक करने के लिए। इसे कुक करने के लिए मैं पहले से तावे को हीट कर चुकी हूँ, इस पे हम लोग पराठा को ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसके फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद से हम लोग इस पे 1 टी स्पून घी ऐड कर देंगे और चारों तरफ हम लोग इसे स्प्रेड कर देंगे। हल्के हाथों से आप इसे लगाएं। ध्यान रहे इस समय आपका फ्लेम मीडियम होना चाहिए, नहीं तो हाई फ्लेम पे ये अच्छी तरह कुक भी नहीं होगा और आपका पराठा जल भी सकता है। तो इसे हम लोग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। 1 मिनट बाद हम लोग इसके साइड को चेंज कर देंगे। फिर से हम लोग इस पे घी का अप्लाई कर देंगे 1 टी स्पून। सेकेंड साइड से भी अच्छी तरह कुक होने तक हम लोग वेट करेंगे। इसे हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका सेकेंड साइड अच्छी तरह कुक हुआ है या नहीं। तो दोनों साइड से ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है, इसे अब हम लोग डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा लेयर भी आया है। इसी तरह से हम लोग और भी पराठा बना के तैयार कर लेंगे। लीजिए, हम लोगों का यहाँ पे लच्छेदार पराठा बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा लेयरिंग आया है। तो आप एक बार मेरे मेथड से जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, मटन हो या फिर चिकन ग्रेवी वाला या फिर सब्जी ग्रेवी वाला हो उसके साथ इसे सर्व करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे, मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।